आगरा से आ रही है बड़ी खबर। 1116 कश्मीरों के घर जाने का रास्ता हो गया है साफ। राज्य मंत्री चौधरी उदयवान सिंह के प्रयास से हुई व्यवस्थाएं। विशेष बसों के जरिए जत्थों में खाना किए जा रहे हैं उन्हें। घर लौटने की खबर मिलते ही खिल उठे सभी के चेहरे। लॉकडाउन के चलते ताज नगरी में फंसे जम्मू कश्मीर के मजदूरों के लिए राहत बड़ी खबर है। उन्हें घर जाने का रास्ता अब साफ हो गया है। प्रदेश सरकार के राज्य मंत्री चौधरी उदयवान सिंह के प्रयासों से जम्मू कश्मीर के 1116 लोगों को उनके घरों तक सकुशल पहुंचाने के प्रयास शुरू हो गए हैं। जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए ये खबर उन्हें राहत देने वाली रही। वे अब जल्द से जल्द अपने घर पहुंचना चाहते हैं। जम्मू कश्मीर भेजने की अनुमति मिलने के बाद पुलिस ने बसों के जरिए इन्हें जत्थों में पूरी पाबंदी और सुरक्षा पहलू के साथ भेजना शुरू कर दिया है। यहां से खाना हुआ पहला जत्था मंगलवार को सायंकाल जम्मू कश्मीर की सीमा में प्रवेश कर गया था। आपको बता दें कि काफी संख्या में आगरा और आसपास के जिलों में जम्मू कश्मीर के श्रमिक काम करते हैं। काफी संख्या में श्रमिक आगरा के शीत गृह और खदूली क्षेत्र के खेतों में आलू खुदाई के कार्य में लगे थे। इसके अलावा काफी युवा यहां के विभिन्न शिक्षण संस्थानों में पढ़ रहे थे। अचानक लॉकडाउन होने से सब कुछ बंद हो जाने से वे यहां के तहां फंस गए। इसकी जानकारी मिलने के बाद राज्य मंत्री चौधरी उदयवान सिंह ने शासन स्तर पर इसकी समस्या उठाई। इसके बाद इन लोगों को घर भेजने के प्रयास शुरू हुए। आपको बता दें खंदोली क्षेत्र के शीत गृह संचालकों ने मुक्ता सिंह, डूंगर सिंह, कृष्ण गोपाल आदि के नेतृत्व में राज्य मंत्री चौधरी उदयवान सिंह के समक्ष ये समस्या उठाई थी। उन्हें बताया कि यहाँ ठहरे हुए श्रमिक बुरी तरह से परेशान हैं। इन पर राज्य मंत्री चौधरी उदयवान सिंह ने जिला उधमपुर जम्मू कश्मीर के रामनगर विधानसभा क्षेत्र के निवर्तमान विधायक रणवीर सिंह पठानिया से संपर्क कर उन्हें बताया कि आगरा में फंसे हुए जम्मू कश्मीर के लोगों की स्थिति खराब है। उन्हें जल्द से जल्द घर लौटने में मदद की जरूरत है। पठानिया और उत्तर प्रदेश के राज्य मंत्री चौधरी उदयवान सिंह के प्रयासों से घर वापसी का रास्ता साफ हुआ है। मेरा नाम फरीन मलिक है। मैं यहाँ आगरा डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी से वो कर रही हूँ, एमएससी कर रही हूँ। और यहाँ हम नसीराबाद कॉलोनी में रहते हैं। अब कहाँ जा रहे हैं? हम लोग जम्मू कश्मीर जा रहे हैं। इसकी जो आप बस में जा रही हैं, इसकी शासन ने व्यवस्था की थी कि आपने अपने आप करी? मतलब मिली तो है, बट इसमें एक तो सोशल डिस्टेंसिंग बिल्कुल भी मेंटेन नहीं है। ऊपर से मतलब सीट्स अवेलेबल नहीं है जितनी मतलब बोली गई थी। मतलब काइंड ऑफ ओवरलोडिंग है यहाँ पे। आपको जो भेजा जा रहा है, ये शासन की तरफ से आपने अनुमति मांगी थी कि उन्होंने अपने ही जान का प्रूफ दिया है? हमने अनुमति ली थी। आप प्रशासन के लिए कहना चाहेंगे? मतलब बहुत हेल्प की है, हम थैंकफुल हैं उनके लिए, यूपी गवर्नमेंट के लिए। लेकिन ये चीज है कि मतलब अब तक सब थैंकफुल थे, बट ये ओवरलोडिंग की वजह से जो चीज हो रही है इससे थोड़ा हम मतलब डिसअपॉइंटेड है। बाकी देखते फिर। मैं जम्मू कश्मीर का रहने वाला हूँ। मेरा नाम आदिल फारूक वार है और मैं जम्मू कश्मीर का रहने वाला हूँ, डिस्ट्रिक्ट कपवारा। मैं यहाँ पर पढ़ाई कर रहा था बीएस नर्सिंग इन पुष्पांजलि कॉलेज ऑफ नर्सिंग। और मैं यहाँ पर मौर निशिराबाद कॉलोनी में रहते थे। यहाँ हम 11 कश्मीरी लोग हैं यहाँ पर, तो आज घर जा रहे हैं। जो डीएम सर है यहाँ पर, उन्होंने बहुत हमारी मदद की है। ज़्यादा लोगों की सुविधा नहीं हो रही, थोड़ी बहुत डिस्टेंस। इसमें सोशल डिस्टेंसिंग की सुविधा है? नहीं, सोशल डिस्टेंस की मगर सीट नहीं मिल रही सबको। सीट नहीं मिल रही है? यस सर। आप प्रशासन के लिए साथ यूपी नहीं, बहुत बहुत कुछ करना चाहेंगे? हाँ, बहुत मदद की इन्होंने। डीएम सर ने मदद की, एसपी सर ने मदद की, बहुत मदद की। जम्मू कश्मीर के प्रमुख सचिव और नोडल अधिकारी सालीम कवरा ने आगरा में फंसे प्रवासी कश्मीरियों को भेजने के लिए उत्तर प्रदेश शासन से पत्र व्यवहार किया। इस मामले में जम्मू कश्मीर और उत्तर प्रदेश सरकार के बीच सहमति बन गई। जम्मू कश्मीर के प्रवासियों का पहला जत्था खाना हुआ तो उसमें शामिल लोग राज्य मंत्री, स्थानीय प्रशासन और के सहयोग करने वाले अन्य लोगों का आभार व्यक्त करते हुए नजर आए। पूर्व विधायक और शीत गृह संचालक मुख्तार सिंह, डूंगर सिंह ने बताया कि शीत गृह में कुल 540 श्रमिक रह रहे थे। वे सभी घर जाने के लिए बुरी तरह से परेशान थे। चौधरी उदयवान सिंह के प्रयास के बाद सभी के आधार कार्ड और फोन नंबर संकलित किए गए। इसके बाद 15 बसों का इंतजाम करके उन्हें वहां भेज दिया गया। अन्य क्षेत्रों से भी जम्मू कश्मीर के लोगों को उनके घर में भेजा गया है। जम्मू कश्मीर के मजदूरों और छात्र छात्राओं की घर वापसी का रास्ता साफ होने के बाद राज्य मंत्री चौधरी उदयवान सिंह ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का आभार व्यक्त किया है। उधमपुर लोकसभा के अंतर्गत
जम्मू कश्मीर में विधानसभा है रामगढ़, वहां से विधायक रहे हरेश पठानिया साहब। उन्होंने आज से मुझसे लगभग 20 दिन पहले कहा था कि उनके विधानसभा के और लोकसभा के हजारों की संख्या में यहां मजदूर आए हुए हैं जो विभिन्न कोल्ड स्टोरेजों पर और जगह जगह काम कर रहे हैं, और इस लॉकडाउन के अंतर्गत वे अपने घर पर अपने नगर जाना चाहते हैं। उन्होंने एक सूची भेजी जिसमें उनका मोबाइल नंबर था, सबको संकलन करके एकत्रित करके सबसे बातचीत की गई, और बातचीत करने के बाद उनके आधार कार्डों को एकत्रित किया गया और उत्तर प्रदेश सरकार को लिखा गया। उत्तर प्रदेश सरकार ने गहराई और गंभीरता से संज्ञान लिया और उनको उनके गंतव्य स्थान तक पहुंचाने का सार्थक प्रयास किया। मैं जहां सरकार को साधुवाद देना चाहता हूं, धन्यवाद देना चाहता हूं, वहीं मजदूरों को भी धन्यवाद दूंगा कि वे धैर्य से बने रहे, उन्होंने धैर्य नहीं खोया और आतुरता उन्होंने नहीं दिखाई, और वे आज मैं प्रसन्नचित हूं कि वे उत्तर प्रदेश सरकार और माननीय मुख्यमंत्री योगी जी के सामर्थ्य योग्यता के आधार पर वे सब अपने अपने गंतव्य स्थानों पर पहुंच चुके हैं। और मैं लोकसभा के सदस्य डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी और विधायक निवर्तमान विधायक आर एस पठानिया साहब को भी साधुवाद दूंगा कि उन्होंने अपने क्षेत्र के लोगों की चिंता